एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज स्टाइल बाय भूमिका। और मैं हूँ आपकी दोस्त भूमिका। आई होप आप सब लोग अच्छे हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको तीन तरीके से बताऊंगी कि साड़ी को कैसे स्टाइल करते हैं विंटर में। पर मैं साथ ही साथ आपको वीडियो जैसे जैसे आगे चलती जाएगी तो और भी आइडियाज़ देती जाऊंगी, जिससे कि काफ़ी सारे लुक हो जाएंगे। तीन ही नहीं, बहुत अलग अलग लुक्स आपको क्रिएट करने के आइडिया आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला लुक जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है। इसमें मैंने कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है, बट आप खुद जज कर रहे होगे कि कितना स्मार्ट लुक लग रहा है। यहाँ पे मैंने ये ग्रीन साड़ी ली है, जो कि मैंने अभी पहनी भी हुई है। तो इस ग्रीन साड़ी को इस ऑलिव ग्रीन, ये ऑलिव ग्रीन कलर का टर्टल नेक स्वेटर है, इसके साथ स्टाइल किया है। बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही स्मार्ट लुक लगता है। आपको सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है, लोग स्टाइल तो कर लेते हैं बट वो कुछ चीज़ें ध्यान नहीं रखते। कि पहली बात, आपको हमेशा साड़ी जब भी आप विंटर में ड्रेप करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए कि आपने ना अपनी कुछ साड़ियों के या तो कंट्रास्ट ले लो, ऐसे टर्टल नेक्स, या तो उस साड़ी से मैचिंग वो ले लो। ठीक है, तो मैं तो ज़्यादा कहूँगी कि आप मैचिंग भी रखो एक दो, और एक दो कंट्रास्ट भी रखो। ठीक है, ब्लैक कलर तो आपके पास टर्टल नेक होना ही चाहिए। इसमें देख रहे हो कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये ब्राउन कलर का बॉर्डर, मतलब है बॉर्डर जिसपे डिज़ाइन बनी हुई है ब्राउन कलर से, तो ये ऑलिव ग्रीन कलर काफ़ी हद तक इससे मैच कर रहा है, आप खुद बता सकते हो। तो मैंने कुछ नहीं, सिर्फ ये टर्टल नेक पहन लिया, ठीक है, और साड़ी ड्रेप कर ली इसके साथ। और आपको जो टर्टल आप स्वेटर पहनोगे उसको अपनी पेटीकोट के अंदर टक कर लेना, बाहर की ओर नहीं रहे वरना वो बहुत गंदा लगेगा। टक करके उसके ऊपर फिर अपनी साड़ी को ड्रेप करना। ठीक है, स्वेटर पहन रहे हो इस तरह का टर्टल नेक, या आगे जो मैं स्टाइल बताऊँगी उसमें बहुत ज़्यादा जैसे नेक पीसेस पहनना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता मेरे हिसाब से। तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे स्टड पहने हुए हैं इस तरह के। अब ये स्टड आप पे डिपेंड करता है, आप बड़े भी पहन सकते हो, इसकी जगह झुमके भी डाल सकते हो, ठीक है, चांद वालीज भी पहन सकते हो, बट फिर वो आपकी साड़ी पे डिपेंड करता है कि आप साड़ी कैसी पहन रहे हो, है ना। तो पहला लुक ये है, और इसमें मैंने इसके साथ ग्रीन कलर की जुत्तीज़ डाली हुई हैं। अब आप पे डिपेंड करता है, यहाँ पे मैंने जुत्तीज़ ली हैं, आप चाहो तो यहाँ पे एक बूट्स भी पहन सकते हो ब्लैक कलर का, या फिर टैन कलर में भी पहन सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने बूट्स इसलिए नहीं पेयर अप किए इसके साथ क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो बूट्स के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, उनको या तो हील्स पसंद होती हैं या तो जुत्तीज़ पसंद होती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको जुत्तीज़ के साथ स्टाइल किया है। आप चाहो तो बूट्स के साथ भी कर सकते हो, ठीक है, और चाहो आप हाथ में कुछ रिंग्स वगैरह एक दो डालनी चाहो डाल लो, है ना। यहाँ पे आप चाहो तो इसके साथ टर्टल नेक अगर पहन रहे हो तो आप पोनी करके जाओ, पोनी या जूड़ा, क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो ये टर्टल नेक है मतलब ये नेक निकल के आता है बाहर, मतलब और अच्छा लगता है, प्रेजेंट अच्छे से कर सकते हो आप इसे। फिर हम बात करते हैं अपने इस सेकेंड लुक की। तो इस सेकेंड लुक में मैंने यहाँ पे ये वाली साड़ी का यूज़ किया है जो कि ग्रे कलर की है और रेड का बॉर्डर है, मतलब रेड कलर भी है इसमें, गोल्डन भी है, ग्रे भी है, इवन ब्लैक कलर भी है। आप गौर से देखोगे इसमें ब्लैक कलर भी है, ठीक है। तो इस साड़ी को मैंने इस टर्टल नेक स्वेटर के साथ स्टाइल किया है ब्लैक कलर की। और आपको इसमें क्या करना है कि अपनी जो टर्टल नेक क्या होता है यूजुअली ऐसे फोल्ड करने, यहाँ ये तो यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है, जो ये वाला टर्टल नेक है आप इसे फोल्ड करते हो, तो लोग क्या करते हैं यूजुअली बाहर की तरफ फोल्ड करते हैं, ये हैक बता रही हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है बाहर की तरफ करते हो ना तो कभी कभी इधर उधर, मतलब इधर कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है तो अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या करो, अंदर की तरफ फोल्ड कर लो, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होगे इसमें मैं दिखा रही हूँ आपको, तो अंदर की तरफ फोल्ड कर लो, तो उससे क्या होता है क्लीन भी लगता है और बहुत प्यारा लगता है लुक। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ ऐसे आपके पास स्वेटर्स या टर्टल नेक स्वेटर्स रखिए जो कंट्रास्ट हों,
कुछ मैचिंग हो, कुछ कंट्रास्ट हो. अब ये क्या है, ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन तो बहुत सेम फैमिली के होते हैं, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो कितना ज़्यादा प्यारा लुक. इसमें भी मैंने स्टड पहने हुए हैं क्योंकि मुझे सिंपल, मैं थोड़े सिंपल रहना पसंद करती हूँ, इसलिए अगर आप चाहो तो इसमें आप बड़े स्टड भी पहन सकते हो या बड़े इयररिंग्स कोई भी डाल सकते हो, लाइक झुमका, चांद वाली, और भी बहुत सारी आती है. आप इसके साथ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी ले सकते हो क्योंकि ये ब्लैक कलर है, अपने आप में ही बहुत खूबसूरत लगता है. तो मैंने हील्स का यूज़ किया है, या मैंने हील्स डाले हुए हैं. आप चाहो तो हील्स पहन लो, या तो जूतीज डाल लो, या तो बूट्स भी डाल सकते हो, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, जो लोग इन तीनों में से कंफर्टेबल हो. क्योंकि मैं किसी एक पर्टिकुलर उस पर नहीं करती, हर चॉइसेस अलग होती हैं और मैं हर स्टाइल में आपको बताना चाहती हूँ. ये ना हो कि एक ही स्टाइल में मैं आपको बांध के रख दूँ कि नहीं आप तो यही पहन सकते हो और कुछ नहीं पहन सकते, उसके बाद ये पूरा लुक ऐसे क्रिएट कर सकते हो आप. ठीक है, अब क्या है, आप चाहो तो इसकी जगह या इसी के ऊपर एक ओवरकोट डाल सकते हो ब्लैक कलर का. ठीक है, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास अगर ब्लैक कलर का है, चेक है तो भी चलेगा, प्लेन है तो बहुत ही बढ़िया है. ठीक है, अब बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप फैशन तो इना दिखाओगे, बट फैशन अगर आप दिखाना भी चाहते हो तो वो भी दिखा सकते हो, स्टाइलिश भी लगोगे और ठंड भी नहीं लगेगी, इतना बढ़िया है. अब हम आते हैं अपने थर्ड लुक पे, जो कि मैंने इस पीच कलर की साड़ी को, मैं आपको साड़ी भी दिखाती हूँ, मैंने इस पीच कलर की साड़ी को यहाँ पे इस मरून ब्लेजर के साथ इसे स्टाइल किया है, और नीचे इसका ब्लाउज पहन रखा हुआ है. क्योंकि क्या होता है, जैसे कुछ बहुत डीप है, आप देख रहे हो इसका नेक बहुत डीप है, तो आप ऐसा तो हो नहीं सकते, एक तो आपको ठंड से भी बचना है और उस पे से आप ब्लाउज नहीं पहनोगे तो काहे का ठंड से बचोगे आप. इसमें आप चीज़ें कर सकते हो, वो क्या है, पहली आप ब्लाउज अपने नीचे पहन लिया, और इसमें जैसा आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे ब्लेज़र डाला हुआ है, तो आप ब्लेज़र डाल सकते हो. अब ब्लेज़र को भी आप कई तरीके से स्टाइल कर सकते हो. ठीक है, तो पहले जो मैं बात बता रही हूँ वो ये है कि आप चाहो तो ब्लाउज के नीचे कोई थर्मल भी डाल सकते हो. ठीक है, किसी को नहीं पता चलेगा, जब आप थर्मल डाल लोगे उस पर, ब्लाउज पहनोगे उसके ऊपर आपका कोट हो जाएगा, है ना, मतलब ब्लेजर हो जाएगा, तो किसी को क्या पता चल रहा है, और आप ठंड से भी बच जाओगे, है ना. मस्त आइडिया था ना, अगर पसंद आया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर लो और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करो. ठीक है, तो जैसा कि मैं बता रही थी, आप थर्मल भी पहन सकते हो, उसके ऊपर आपने ब्लेजर डाल लिया. अब क्या है, ब्लेजर पहनने के कई सारे तरीके हैं, एक दो तीन गिनती नहीं है, अनगिनत तरीके हैं, बट यहाँ पे पर्टिकुलर मैंने आपको जो तरीका बताया है कि आप पहले ब्लेजर डालो, ठीक है, पल्लू को उसके अंदर ही रखो. यहाँ भी मैंने सेम स्टर्ट पहना हुआ है, कोई हॉचपॉच नहीं, और इसमें तो हॉचपॉच करने की भी, जो ये पर्टिकुलर स्टाइल है इसमें आप कोई नेक पीस तो पहन नहीं सकते, तो आप स्टर्ट डाल लो, और इसमें कोई बड़ा आपको झुमका वगैरह भी डालने की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छा नहीं लगेगा आपको. कोई स्टर्ट, हाँ स्टर्ट में आप बड़े पहन सकते हो, यहाँ पे मैंने छोटा पहना, आप चाहो तो बड़े भी डाल सकते हो. ठीक है, यहाँ पे मैंने रेड कलर की जूती पहनी है, अब ये भी आप पे डिपेंड करता है, आप चाहो तो हील पहनो. और आप क्या स्टाइल कर सकते हो, आप चाहो तो आप बेल्ट का यूज़ कर सकते हो. अब जैसे कि मैंने यहाँ किसी में भी बेल्ट का यूज़ नहीं, मैं एक इमेज यहाँ लगा दूंगी. आपने देखा होगा नूरा फतेही ने एक जगह स्टाइल किया था, तो पर उसने बेल्ट लगाया हुआ है, वो भी बहुत प्यारा. वो क्या होता है, आपकी फिगर को डिफाइन कर देता है, तो आप चाहो तो बेल्ट भी लगा सकते हो. ठीक है, तो बस यही छोटे मोटे आइडिया हैं जो आप करके काफ़ी स्मार्ट लग सकते हो. सो ये था मेरा आज का वीडियो, बताइएगा आपको कैसा लगा. अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके जस्ट बगल में एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे. और प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे, अगर आपको ऐसी फैशन, ब्यूटी और हॉल से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो देर किस बात की है, सपोर्ट करो यार. चलिए अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए लव लव, बाय बाय.